जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता हो। पूरे देखें बोल्डिंग के कारखाने चल रहे हैं, ये पूरे लाइन पे पूरी पट्टी पे, ये पूरी भाई हमें बिजली चाहिए, कोई कुछ भी हो बिजली चाहिए, बस हमको लाइट चाहिए, हमें लाइट चाहिए। गरीबों को क्या बोलते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, गरीबों को अपने बिल लगा के गरीबों से भरना भरते हैं, गरीबों से क्या बोलते हैं लेते हैं अपने बिल भी गरीबों से वसूल करते हैं, अपना एक पैसे का बिल नहीं भरते। चोर चोर पक्के चोर, ये लोग चोर बनाते हैं आवाम को भी, आवाम को भी इन्होंने चोर बनाए भाई है। इनके बच्चे भूखे बिलबिलाए, पानी के लिए बिलबिलाए, गर्मी से बिलबिलाए। इन्होंने आज ये वादा किया था, हमारी कल कॉन्फ्रेंस हुई थी कि आज बिजली बहाल की आएगी, क्यों नहीं आए यहाँ पे अपना काम करने के लिए। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिजली के बहरान की वजह से कराची जैसे शहर में बच्चे जमीनों के ऊपर लेट गए और इस वक्त शदीद प्रोटेस्ट करने के मूड में है और सिचुएशन काफ़ी टेंस हो सकती है। नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम अलाजम अलकरम स्क्वायर के ऊपर मौजूद हैं और इस वक्त पब्लिक इतना प्रोटेस्ट कर रही है कि बच्चे यहाँ पर रोडों के ऊपर बैठ गए और उनका कहना है कि केसी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इस वक्त इतनी टेंस सिचुएशन हो चुकी है। पुलिस हमारे ऑपोजिट साइड पे और शेलिंग या फायरिंग के लिए बिल्कुल स्टैंड बाय के ऊपर है, किसी भी वक्त यहाँ पर फायरिंग या शेलिंग हो सकती है, लेकिन लोग अपने मासूम बच्चों को रोडों पर लाने के लिए मजबूर हैं। मैं दुकानदार हूँ, मेरी आइसक्रीम खराब हो गई, अगर कंपनी वाले लेके जाते आधे से कम पैसे देते हैं, किस तरह मैं बेवा औरत हूँ, किस तरह अपना घर का जी हाँ आपका कितना नुकसान है। बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा नुकसान हो गया, अगर 10,000 का माल है 5,000 से भी कम रह गया मेरा, और कहाँ रिश्तेदारों में कहाँ जब मिलने वालों में, मैंने अपने डिफ्यूज़र लगवाए हैं, कितनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल का सामना है। औरतें मेहनत भी नहीं कर सकती, काम भी नहीं कर सकती, मेहनत नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, कोई सिलाई करता है तो वो सिलाई भी उसकी रुकी हुई, लाइट नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, परेशान है ना, एक तो कमाई नहीं है, ऊपर से सिलाई भी नहीं करेगा तो बंदा किस तरह घर गुजारेगा। पानी कहाँ से लेकर आए, लाइट नहीं तो पानी भी नहीं है, टाइम में 2.5 घंटे लाइट खींचते हैं, बताएं 2.5 घंटे 4 टाइम जाती है लाइट, रात के 2:30 बजे आती है, 2:30 बजे रात को बच्चे स्कूल जाने को बैठ गए, कहाँ से स्कूल जाए, ना पानी मिल रहा है उनको, ना कुछ मिल रहा है, स्कूल जाने के लिए भी बहुत पैसे चाहिए, कपड़ों की इस्त्री नहीं, कुछ बच्चे जा नहीं पा रहे, पढ़ाई खराब हो गई, बच्चों कभी तस्वीर भी नहीं कर सकते, इतनी खराब हुकूमत का। मिस्त्री वालों का कहना है जब तक ये कारखाने बंद नहीं होंगे हम बिजली आपको अवेलेबल नहीं करेंगे, बस मैडम उनका काम है बंद करना है, जो चल रहे हैं फैक्ट्रियाँ, लाखों रुपए का भत्ता लेके जाते हैं यहाँ से, लाखों रुपए। रेजिडेंशियल कितना है, 1,000, 2,000, 3,000 का बिल होगा, 4,000 का बिल होगा, वो तो भर रहे हैं सब, कोई नहीं भरता, लेकिन ये फैक्ट्रियों में लाखों रुपए का भत्ता लेके जाता है ये मंथली। ये गुलशन में रहते हैं, नाजाबाद में रहते हैं, यहाँ रहते भी नहीं है, इनके कारखाने चल रहे हैं। अलकरम को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, बिल्कुल 2 साल पहले ये हुआ था, इन्होंने कहा था कि पीएमटी एक है लिहाजा हम अलग नहीं कर सकते, अब तो जल गई है ना, अब हमको अलग कर दे अलकरम से, अब क्यों नहीं कहीं काम कर रहे हैं। अब भाई ऐसे भी तो लाइट होती नहीं, 2.5 घंटे 2.5 घंटे 3 टाइम लाइट जाती है हमारी, थोड़े बहुत जे भी हमारी आए पानी बच्चों को पढ़ाई, वो भी हमारी बिल्कुल नहीं। जब ये कुंडा हम लोगों ने फोन करके कहा कि भाई फला फला जगह पे कुंडा लगा, केसी वालों ने ही कुंडा लगाया है, तो केसी वाले जी पैसे लेके, तो वो ही कहते हैं कि जो कुंडा केसी लगाती है वो जायज़ है। अब आप मुझे बताइए जो केसी कुंडा लगा रही है वो जायज़ है, और अगर जो दूसरे आवाम जो बिल भर रही है मुँह से जी अपने मुँह से वो कहते हैं, आप उनको कॉल कीजिए, वो कहते हैं कि जो केसी कुंडा लगा रही है वो जायज़ है। कबाड़ा करके रख दिया है, बिल्कुल सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया है, जो आवाम औरतें घरों में रहती थी आज उसको सड़कों पे आने पे इसने मजबूर कर दिया है। नाज़रीन अहले इलाका के तासुरात आपने सुने, अपने ही हाल पर हंसी आती है इस आवाम का हाल देखकर, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, मीडिया चीख चीख कर अपना गला खुश करता रहे, लेकिन ना जाने क्यों ठंडे कमरों में बैठे हुए ऐवान बाला में वो मसरूफ वुजरा, जो कि एक मूछों वाले वुजरा से लेकर दूसरे वजीर को ये पोर्टफोलियोज पकड़ा दिए जाते, लेकिन उनमें इतनी सख्त नहीं है कि इन लोगों का आकर दर्द समझ सके। कभी केसी के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज चेयरमैन
क्या डायरेक्टर्स आकर कभी देखेंगे इन मीटरों का क्या हाल है? ये वो आवाम है जिनके बिल्स आपने देखे नाजरीन, क्या करे, कहाँ जाए, किसको वोट दे? नाजरीन आपको मेरा शो कैसे लगा, आप मुझे फीडबैक के लिए ईमेल कर सकते हैं aks@cnbcpakistan.com पर। जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता है।